नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम देखने वाले हैं RRB ग्रुप डी एग्ज़ाम के क्वेश्चन, जो कि 11 दिसंबर 2018 फर्स्ट शिफ्ट का है। देखते हैं पहला क्वेश्चन। कहता है एक कार एक पहाड़ से गिरती है और लगभग 0.7 सेकेंड में ज़मीन पर गिरती है, और इसमें जी का वैल्यू जो है वो 10 लेना है। ज़मीन पर गिरने पर इसकी गति क्या होगी? ठीक है, तो ये मान लेते हैं कार है, यहाँ से ये जो है ये ज़मीन पर, मान लेते हैं ये ज़मीन पर ऐसे करके गिर जाती है या यहाँ पे गिरती है, कहीं पे इस जगह गिरती है। इसको यहाँ से यहाँ तक गिरने में कितना समय लगता है? 0.7 सेकेंड। तो ये जो है ना वन डायमेंशन मोशन का एक टाइप का क्वेश्चन है। तो इसको हम लोग बनाने के लिए हमारे पास तीन इक्वेशन है, एस इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, बी स्क्वायर इजिकल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, या बी इजिकल टू यू प्लस ए टी। तो हमारे पास जो है जब ये यहाँ पर रहेगी तो इसका जो है इनिशियल प्रारंभिक जो वेग होगा वो क्या होगा? जीरो होगा। और यहाँ जब गिरेगी, यहाँ पे जब गिरेगी तो इसका जो है भी जो है कुछ तो आएगा, तो वही भी हमको निकालना है। तो इसके लिए हमको सबसे अच्छा टाइमिंग क्योंकि दिया हुआ है, सबसे अच्छा ये तीसरा इक्वेशन है। तो भी इजकल टू यू प्लस ए टी, तो हम लोग भी निकालना है। यू जीरो दिया हुआ है, ए जो है वो 10 लेने को कहा गया, और टी जो है वो 0.7 सेकेंड है, तो ये हो जाएगा 7 सेकेंड। तो आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? 7 सेकेंड, ए आंसर। तो चलिए दोस्तों हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक इलेक्ट्रिक सर्किट में रियोस्टेट को अक्सर सर्किट में डैश को बदलने के लिए उपयोग किया जाता है। रियोस्टेट, ये इलेक्ट्रिक करंट का क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग रियोस्टेट को समझेंगे। ये रियोस्टेट है, ओके, ये क्या है? रियोस्टेट है। तो रियोस्टेट में क्या होता है कि एक जो है यहाँ पे स्लाइडर लगा रहता है, एक स्लाइडर लगा रहता है, और ये स्लाइडर यहाँ से क्या होता है कि यहाँ से करंट जो है ना जाती है, और ये करंट यहाँ से पास होते हुए, यहाँ से पास होते हुए, यहाँ से पास होते हुए ये यहाँ से निकल जाती है, अगर ये स्लाइडर नहीं रहेगा तो। लेकिन क्या कहता है कि रियोस्टेट में ये स्लाइडर रहता है, स्लाइडर जो है ना मूवेबल होता है, ये इधर भी मूव होता है, ये इधर भी मूव होता है। तो हम जहाँ से भी करंट, मतलब जैसे इसको मूव करेंगे वहीं से इसको करंट जो है ये पास होकर इस डायरेक्शन से चली जाएगी। तो हम मान लेते हैं कि ये स्लाइडर जो है मूव करके यहाँ आ गया, यहाँ मूव करके आ गया। तो यहाँ पर अगर स्लाइडर रखेंगे तो ये करंट जो है यहाँ से जाएगी, और यहाँ से जाके ये इस वाले स्लाइडर से होते हुए ये इधर से चल जाएगी। तो हमको जो है यहाँ से क्या होगा कि ये करंट, तो ये क्या करता है? रेजिस्टेंस चेंज का काम करता है। एक्चुअली क्या होता है, आर इजिकल टू रो एल बाई ए। तो एल जो है वो क्या होता है? तार का लेंथ होता है, तार का लेंथ होता है। तो लेंथ जैसे जैसे चेंज होगा तैसे तैसे इसका जो है मतलब स्लाइडर को जैसे जैसे चेंज, स्लाइडर को जैसे जैसे चेंज करेंगे पोजीशन उसका, तैसे तैसे लेंथ चेंज होगा, लेंथ जैसे जैसे चेंज होगा तो मतलब कि आर चेंज हो जाएगा, आर चेंज हो जाएगा। इसीलिए जो है हम लोग जो है रिस्टोर का प्रयोग किस में करते हैं? रेजिस्टेंस के चेंजिंग में करते हैं। तो चलिए अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। कहते हैं कौन सा उत्तक जड़ से दूर सामग्री के परिवहन के लिए जिम्मेदार है? तो एक्चुअली क्या होता है कि जड़ से जो है सामग्री के परिवहन के लिए जो ना दो चीज़ होता है, एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। तो जाइलम क्या करता है, ये यूनी डायरेक्शनल होता है, मतलब एक ही डायरेक्शन में। अगर जाइलम जो है ये क्या करता है, नीचे से पानी ले जाता है और ये ऊपर की ओर या पौधे की ओर हर तरह ले जाता है। लेकिन फ्लोएम क्या करता है, फ्लोएम का काम होता है ये यहाँ पे पत्ती में जो खाना बना रहता है उसको जो है नीचे के डायरेक्शन में ले जाना, ऊपर के डायरेक्शन में ले जाना, हर डायरेक्शन में ले जाना, तो फ्लोएम का काम। तो हमको पूछा गया है जड़ से दूर सामग्री परिवहन के लिए, तो जड़ से दूर एक ही काम करता है और वो है हमारा जाइलम। जाइलम टिश्यू जो होता है वो जड़ से काम करता है। तो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा जाइलम, डी आंसर। अब चलिए हम लोग चौथा क्वेश्चन देखते हैं। एक घन के किनारे आधा कर दिया जाता है तो इसकी मात्रा वास्तविक मात्रा से डैश हो जाती है। तो घन का अगर मान लेते हैं ये घन है, घन में जो है इसका मान लेते हैं ये साइड जो है वो ए है। अब कह रहा है कि इसको अगर ए बाई टू कर दिया जाए तो क्या होगा? मात्रा का मतलब यहाँ क्या है? वॉल्यूम से है। मात्रा का मतलब यहाँ पर वॉल्यूम से है। तो वॉल्यूम क्या होता है, घन का वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम को हम लोग भी मान लेते हैं सुविधा के लिए। तो वॉल्यूम एक्चुअली भी इजिकल टू ये हो जाएगा, वॉल्यूम घन का होता है ए का क्यूब, इसको हम लोग भी वन मान लेते हैं, और जब हम लोग आधा करेंगे उसको तो भी टू उसको, तो वो हो जाएगा ए बाई टू का क्यूब, तो वो हो जाएगा आपका ए थ्री बाई एट। और जब हम लोग उसकी वास्तविक मात्रा से जब हम लोग करेंगे तो भी टू बटे भी वन करेंगे तो ये हो जाएगा हमको ए क्यूब बाई एट अपॉन ए क्यूब, और ये हो जाएगा मेरा वन बटे एट, और ये सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो आइए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कंपित शरीर की समय अवधि 0.04 सेकेंड है, तो तरंग की आवृत्ति का, आवृत्ति का मतलब जैसे हम समझेंगे, आवृत्ति का मतलब फ्रीक्वेंसी होता है, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी जो है, तो फ्रीक्वेंसी का एक फॉर्मूला होता है जो आपको याद रहना चाहिए, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड, टाइम पीरियड जो समय अवधि दिया हुआ है। तो इसका सीधा फॉर्मूला हो जाएगा 1 अपॉन 0.04,
और ये जब जीरो उड़ जाएगा तो यहाँ पर 2 0 आ जाएगा और ये हो जाएगा इसका आंसर 25। एक्चुअली फ्रीक्वेंसी को हम लोग हर्ट्ज में जो है इसको मापते हैं, तो इसीलिए जो है इसको 25 हर्ट्ज हो जाएगा आंसर, जो आपका पहला आंसर है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर अब 6 देखते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में एक विसंगति है जो डैश के स्थान में आती है क्योंकि इसे समूह 1 या समूह 17 में रखा जा सकता है। तो कह रहा है कि इसमें आवर्त सारणी में कौन सा ऐसा है जिसको समूह 1 और 17 दोनों में रख सकते थे, तो वो इसका आंसर एक्चुअली हाइड्रोजन को चला जाएगा, हाइड्रोजन को, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ पे पहला में भी रह सकता है और ये 17 ग्रुप है इसमें भी रह सकता है। हाइड्रोजन में क्या होता है कि लास्ट में जो है इसका जो अगर हम देखेंगे सेल में तो लास्ट में जो है 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन अगर मिल जाए तो इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, मतलब कि ये NS2 हो जाएगा। और 17 वाले ग्रुप में क्या होता है कि 17 वाले ग्रुप का भी लास्ट वाले सेल में 1 इलेक्ट्रॉन खाली रहता है, मतलब NS2 NP5 होता है। अगर इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया जाए तो ये इसका भी कंप्लीट हो जाएगा ऑक्टेट, जो कि NS2 NP6 हो जाएगा। इसीलिए जो है हम लोग हाइड्रोजन ही एक ऐसा आइटम है जिसको हम लोग ग्रुप 1 में भी रख सकते हैं और ग्रुप 17 में भी रख सकते हैं, जो कि आपका आंसर बी है। आइए हम लोग अब 7वां क्वेश्चन देखते हैं। किसी निश्चित दिशा में गति करने वाली वस्तु की गति के लिए वैज्ञानिक शब्द क्या दिया गया है? तो निश्चित दिशा, यहाँ दो टर्म ध्यान रखना, निश्चित दिशा और गति, ठीक है। तो निश्चित दिशा मतलब इसमें क्या डायरेक्शन होगा और क्या होगा गति होगा। तो एक मान लेते हैं जैसे एक कार है, ये एक निश्चित दिशा में मान लेते हैं इधर गति कर रहा है, निश्चित दिशा में भी और गति भी कर रहा है, तो ऐसा हम लोग वेलोसिटी के द्वारा जान सकते हैं, क्योंकि वेलोसिटी जो है ये एक जो है वेक्टर क्वांटिटी है या सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी या इसको कह सकते हैं सदिश राशि, ओके। तो इसमें क्या होता है, सदिश राशि कोई भी चीज़ होने के लिए जो है एक जो है इसमें तो मैग्नीट्यूड होना चाहिए, मैग्नीट्यूड होना चाहिए, दूसरा जो है दूसरा डायरेक्शन होना चाहिए, जो कि दोनों इसमें दिया जा रहा है, और इसका वैज्ञानिक शब्द वेलोसिटी होगा, जो कि आपका आंसर सी हो जाएगा 7 का। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। जीवाश्म डेटिंग, इसको डेटिंग फॉसिल कहते हैं, का एक तरीका जीवाश्म सामग्री में एक ही तत्व के विभिन्न डैश के अनुपात का पता लगाने से है। तो इसमें हमको याद रखना है कि कार्बन डेटिंग के लिए, कार्बन डेटिंग पहले होता क्या है कि हम लोग जब भी कोई धरती के नीचे से कोई चीज़ निकालते हैं, या मतलब कि कोई भी चीज़ हड्डी या कुछ भी मिल जाता है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग फॉसिल करके उसका डेट पता करते हैं, मतलब वो कितना पुराना साल का हो सकता है। तो इसमें हमको एकदम याद रखना है कि डेटिंग फॉसिल या कार्बन डेटिंग के लिए हम लोग आइसोटोप्स का प्रयोग करते हैं। अब आइसोटोप्स उसको कहते हैं जिसका जो है, सेम एटॉमिक नंबर होगा, सेम एटॉमिक नंबर और इसको जेड द्वारा डिनोट करते हैं, और डिफरेंट मास नंबर, ओके, जिसको हम लोग ए द्वारा डिनोट करते हैं। जैसे कार्बन के दो आइसोटोप्स अभी बता रहे हैं हमें, C12 और 6 और C14 और 6, तो ये जो है ये नीचे वाला है ये क्या है, ये आपका एटॉमिक नंबर है, जो कि जेड बता रहा है, ये आपका क्या है जेड एटॉमिक नंबर है, और ये आपका जो है ये मास नंबर है, ये आपका क्या है मास नंबर। तो इसमें देखिए मास नंबर क्या है अलग अलग है, लेकिन जेड आपका क्या है सेम है। तो इस तरह हम लोग याद रखना है कार्बन डेटिंग में हम लोग आइसोटोप्स का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 9 देखते हैं। अरे 13 kg की एक वस्तु 5 m/s के समान वेग के साथ घूम रही है, तो वस्तु की गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा का मतलब क्या होता है काइनेटिक एनर्जी से, ओके। ये मान लेते हैं कि ये एक वस्तु है जो कि 13 kg का है, ये कितने का है 13 kg का है, और ये 5 m/s के दर से ये जा रहा है, यहाँ जाएगा फिर यहाँ जाएगा फिर यहाँ जाएगा फिर यहाँ जाएगा, ऐसे करके घूम रहा है। तो हमको ये बोला है कि इसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा। और एक बात बता दें, सर्कुलर मोशन में जो है, सर्कुलर मोशन जो होता है उसमें काइनेटिक एनर्जी जो क्या होता है कॉन्स्टेंट होता है, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है कॉन्स्टेंट होता है। तो इसमें हम लोग जो है काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, वो कैसे निकालेंगे, हाफ mv² इससे निकालेंगे। तो हाफ हो जाएगा, मास यहाँ पे 13 है और वेलोसिटी इसका जो है वो 5 × 5 है, तो इसको हम लोग जब काउंट करेंगे तो ये आपको 162.5 जूल। एक्चुअली देखिए यहाँ पे दो आंसर कन्फ्यूज किया गया है, जूल और मीटर पर सेकंड में। एक्चुअली जो इनर्जी होती है वो जूल में होती है, उसकी यूनिट क्या होती है जूल होती है, मीटर पर सेकंड नहीं होती है, तीसरे आंसर इसका सी होता है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। कहते हैं पराकणों पोलन ग्रेन को एंथर से फूल के कलंक में स्थानांतरित करना कहलाता है, डैश कहलाता है। तो एक्चुअली यहाँ पे जो है पोलन ग्रेन का जो वर्ड यूज हुआ है, ये पोलन ग्रेन ये है, एक्चुअली ये जो है ना ये एंथर, ये एंथर है, इसमें जो है ये पोलन ग्रेन बनता है, जो कि हम लोग पोलन को क्या कहते हैं मेल गैमिट कहते हैं,
या मेल स्पर्म भी कह सकते हैं। ये क्या करता है, ये इस एजेंट के थ्रू जो है ये यहाँ से स्टिग्मा पे आता है। ये स्टिग्मा क्या होता है, ये द्वार होता है और ये यहाँ पोलन ग्रेन गिरता है और ये द्वार होता है उससे अंदर जाके जो है ये स्टिग्मा यहाँ पे ओवरी में मिलता है और यहाँ पे मतलब बीज या कोई भी का निर्माण होता है। ओके, तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं। और ये जो एजेंट होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, पॉलिनेटिंग एजेंट कहते हैं। तो आपका आंसर इसका ए होगा। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थिति समय संबंध के लिए समीकरण का प्रतिनिधित्व करता है। एक्चुअली यहाँ पे हमारे पास चार ऑप्शन दिए, चार समीकरण दिए हुए हैं। तो हमको स्थिति मतलब क्या, पोजीशन, स्थिति का मतलब पोजीशन से है और समय का मतलब टाइम से है। तो मतलब इस चारों इक्वेशन में जो है हमको वैसा इक्वेशन चुनना है जिसमें पोजीशन भी हो और टाइम भी हो। तो इसमें अगर हम देखते हैं तो इसमें तो नहीं है, इसमें इसमें पोजीशन है और टाइम भी है। इसमें टाइम है बट पोजीशन नहीं है, इसमें टाइम है बट पोजीशन नहीं है। तो आपका आंसर कौन सा सही होगा, बी सही होगा। हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत विद्युत प्रवाह के ताप प्रभाव से जुड़ा है। ताप मतलब टेम्परेचर बताएगा, यही कह रहा है, और वो भी विद्युत के प्रवाह से, मतलब विद्युत प्रवाह मतलब कि आई। तो इसमें हम लोग देखेंगे ये चार ऑप्शन है। तो पहला ऑप्शन है जूल का सिद्धांत, जूल्स लॉ। एक्चुअली जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग आता है जो कि होता है एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। और यही जो है हीट, ये जो है ना ये विद्युत प्रवाह में ताप का प्रभाव, ये ताप प्रभाव जो है यही बताता है। ओके, तो आई स्क्वायर आर टी होता है। एक्चुअली ओम्स लॉ जो है वो हमको जो है पोटेंशियल और पोटेंशियल, ओम्स लॉ होता क्या है, वो होता है वी इक्वल टू आई आर। और फेराडे का लॉ जो होता है वो मैग्नेटिक फील्ड में डायरेक्शन बताता है। और न्यूटन्स लॉ फोर्स से रिलेटेड होता है। एक्चुअली जो होता है जब हम किसी बैटरी से, जब हम किसी बैटरी से कोई सेटअप तैयार करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो लैंप्स लगे हुए हैं इसमें रेजिस्टेंस R1 और R2 है। ओके, तो ये क्या करता है कि जब भी हम यहाँ से करंट जाएगा, जब करंट फ्लो होगा आई, तो वो क्या करता है कि इससे जब जाएगा तो इसमें हीट जो डेवलप होगा वो उसको हम लोग इसी इक्वेशन से निकालेंगे कि इस दोनों बल्ब से जो है कितना हीट निकलेगा। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, 12 का ए, वही ताप प्रभाव को बता। क्वेश्चन नंबर हम 13 देखते हैं। तो किया गया कार्य शून्य, कार्य मतलब वर्क और शून्य है अगर डैश नहीं हो। तो हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि कार्य होता क्या है। कार्य बराबर होता है वर्क, और वर्क बराबर होता है फिजिक्स में एफ डॉट डी एस। डी एस का मतलब यहाँ पे विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट से है, किसे, डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन से होता है। तो हम लोग जो है यहाँ पे देखेंगे कि वर्क जीरो कब होगा, ये जीरो या नहीं कब होगा, जब या तो फोर्स जीरो हो या नहीं तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो, यही दोनों हो सकता है। अब मान लेते हैं कि ये एक ब्लॉक है, ब्लॉक पे ना इधर से मान लो एक फोर्स एफ लगा रहा है, लेकिन ये ब्लॉक जो है जहाँ के तहीं है, मतलब ये पोजीशन में कोई चेंजिंग नहीं आ रहा है, मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, जीरो है। तो हम कहेंगे कि इसका जो है वर्क जो है यहाँ पे जीरो है, तो इसका आंसर विस्थापन हो सकता है। तो आइए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। ब्रह्मांड में दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण का बल इस पर निर्भर नहीं करता। एक्चुअली मान लेते हैं कि ये जो है ना ये दो ब्रह्मांड है, ये क्या है, ये एक ब्रह्मांड है और ये एक ब्रह्मांड है। इसका मास m है और इसका मास क्या है, स्मॉल m है। तो हम लोग इन दोनों के बीच का गुरुत्वाकर्षण, और इसके बीच का दूरी क्या है, r है। तो इसके बीच का जब हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल देखेंगे तो f इक्वल टू होगा जी एम स्मॉल m कैपिटल m अपॉन r का स्क्वायर। तो इस इक्वेशन से हम लोग उसका ब्रह्मांड के बीच का गुरुत्वाकर्षण बल देखते हैं, ठीक है। तो हम लोग जब इसका ऑप्शन देखेंगे तो कहता है कि किस पर निर्भर नहीं करता है, तो उसके बीच की दूरी, उसके बीच की दूरी पर निर्भर कर रहा है। उसके द्रव्यमान का योग, एक्चुअली उसके द्रव्यमान का योग नहीं, उसके द्रव्यमान का उत्पाद मतलब प्रोडक्ट ऑफ देयर मास उस पर डिपेंड करता है। तो ये आंसर आपका क्या है, गलत है। ये आंसर सही है, ये भी सही है। ग्रेविटेशनल, ये ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट है, इस पर भी डिपेंड कर रहा है, उसके द्रव्यमान पे, उसके द्रव्यमान के प्रोडक्ट पे डिपेंड कर रहा है। ओके, तो ये भी आंसर सही है, ये आंसर गलत है। तो आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। काली मिट्टी को डैश मिट्टी के नाम से जानते हैं। इसमें याद रखना है काली मिट्टी को हम लोग रेगर मिट्टी के नाम से जानते हैं, ये याद रखना पड़ेगा आपको। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। निम्न में से कौन सा सेरेब्रल से जुड़ा नहीं है। कहता यह अग्र मस्तिष्क का हिस्सा है। तो हम लोग ये देखेंगे डायग्राम के थ्रू, तो ये जो ना ये अग्र मस्तिष्क होता है, ये वाला क्या है, अग्र मस्तिष्क है, ये वाला पार्ट क्या होता है, अग्र मस्तिष्क होता है। तो ये जो होता है ये अग्र मस्तिष्क का हिस्सा है, तो ये सही है। कहता है इसमें दो भाग होता है, ये दो भाग होता है, ये राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर है और ये लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर है। ओके, तो इसमें क्या होता है, दो भाग होते हैं, तो ये भी सही है। तो
यह मस्तिष्क के सामने श्रेष्ठ और पार्श्व पक्ष बनाता है। सही बात है, मस्तिष्क के सामने श्रेष्ठ और पार्श्व पक्ष बनाता है। कहता है ये मस्तिष्क का 60% नहीं, ये मस्तिष्क का जो है 40% हिस्सा बनाता है। तो इसमें कौन सा जुड़ा नहीं है सेरेब्रल से, वो है आंसर डी, जो 60% हिस्सा बता रहा है, इसलिए 40%। तो अब क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। कथा निम्नलिखित में से किस श्रेणी में तत्वों को उसकी बढ़ती परमाणु संख्या के क्रम में व्यवस्थित किया गया। एक्चुअली बढ़ती परमाणु संख्या मतलब एटॉमिक नंबर जिसका बढ़ रहा हो, ओके। तो इसको हम लोग किसे डिनोट करते हैं, जेड से। तो हम लोग जब ये देखेंगे, ये मेरा पीरियोडिक टेबल है, क्या है पीरियोडिक टेबल है। तो हम लोग जब देखेंगे कि यहाँ पे देखिए एक है, यहाँ पे दो है, यहाँ पे 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये क्या हो रहा है ना कि बढ़ती एटॉमिक नंबर। यहाँ पे भी देखेंगे अगर हम तो 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। तो ये क्या है, जेड जो है क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, मतलब एटॉमिक नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और ये जो है हमको कहाँ मिलेगा, ये हमको मॉडर्न आधुनिक आवर्त सारणी में मिलेगा, ओके, मॉडर्न पीरियडिक टेबल को कहते हैं। तो आपका आंसर कौन सा, ए से। हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। कहता है नीचे कौन सा कार्बन का अपरूप गोडस्टिक ग्लोब के रूप में है, मतलब भूगणितज्ञ, इसको हम लोग ग्लोब कहते हैं एक्चुअली में, सिंपल भाषा में उसको कहते हैं ग्लोब कहते हैं। तो ये जो है ना, ये कार्बन के एलोट्रॉप्स हैं, अपरूप मतलब एलोट्रॉप्स होते हैं जो कि कार्बन के हैं। तो ये कार्बन के अपरूप्स हैं। इसमें अगर बात करें तो कौन सा स्ट्रक्चर, जो ये जो है ना, ये आपका डायमंड का स्ट्रक्चर है, ये कौन सा है, डायमंड है, और ये जो है ये ग्रेफाइट है, ओके, और ये जो है आपका फुलरेंस है, ओके। और अगर हम लोग कार्बन नैनो ट्यूब के बारे में बात करें तो वो ऐसा पाइप जैसा स्ट्रक्चर होता है, चारों तरफ से जो है ऐसा होता है पाइप जैसा स्ट्रक्चर, उसको हम लोग कार्बन नैनो ट्यूब कहते हैं। तो एक ही स्ट्रक्चर है जो कि ग्लोब से मिलता है, और वो कौन सा है, ये फुलरेंस, ओके। तो इसका आंसर आपका कौन सा चल जाएगा, ए आंसर चला जाएगा। हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। कहता है निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा किसी वस्तु की ऊंचाई, ऊंचाई मतलब हाइट, हाइट के साथ बदलती है। तो इसमें जो है पहला जो है परमाणु ऊर्जा, काइनेटिक ऊर्जा, केमिकल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। तो हम लोग न्यूक्लियर एनर्जी देखेंगे, तो न्यूक्लियर एनर्जी एक्चुअली हमको आता है न्यूक्लियर फ्यूजन या डीके या फिजन से, और इसमें हम लोग यूरेनियम और प्लूटोनियम जो है वो हमारा हेल्प करता है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी जो है वो किसी एक गति से आता है। काइनेटिक एनर्जी एक्चुअली इसका फॉर्मूला भी आप लोगों को पता होगा, हाफ एम वी स्क्वायर। तो इसमें क्या होता है, ये वी वेलोसिटी होता है जो कि मतलब गति के कारण से उसमें काइनेटिक एनर्जी में चेंजिंग आता है। और केमिकल एनर्जी जो है, केमिकल एनर्जी बॉन्ड के बनने और टूटने से केमिकल एनर्जी डेवलप होता है। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एम जी एच। तो इसमें जो है हाइट आता है, और ये एग्जाम्पल उसी के लिए है। यहाँ से जब चेंज करेंगे इसका, ये हाइट यहाँ से जब यहाँ आएगा तो इसमें क्या होगा, इसका पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगा, और वो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, जब ये यहाँ से नीचे आएगा तो वो काइनेटिक एनर्जी, वो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, इसका काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगा, ओके। और जब ये नीचे से ऊपर जाएगा तो इसका काइनेटिक एनर्जी जो है वो किस में चेंज हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होगा। तो एक्चुअली एनर्जी क्या होता है, एक दूसरे में ट्रांसफर होते रहता है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी, जो कि स्थितिज ऊर्जा होगा। हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। कहता है डैश का नाम, रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट SO4 होता है, और हेमी मतलब आधा होता है, और हाइड्रेट मतलब H2O होता है, ओके। तो हेमी मतलब क्या होता है, आधा, हाइड्रेट मतलब H2O। तो CaSO4.5H2O, ये आपको याद रखना पड़ेगा कि इसको हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं, CaSO4.5H2O। यहाँ पे एक सेम स्ट्रक्चर जो दिख रहा है जिप्सम का, उसका होता है CaSO4.2H2O, इसको हम लोग कहते हैं जिप्सम। एक्चुअली बेकिंग सोडा का देखेंगे तो वो होता है NaHCO3, मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ओके। तो इसका आंसर कौन सा चल जाएगा,